क्या लोकसभा चुनाव जीतने के लिए स्टारडम का सहारा लेगी बीजेपी? क्या वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार और गौतम गंभीर होंगे बीजेपी के ब्रह्मास्त्र? मिशन 2019 का बिगुल भले ही अभी तक नहीं बजा हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जहां बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए एक बड़ा दाव खेलने जा रही है। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव में विरोधियों को चारों खाने चित करने के लिए बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र तय कर लिए हैं, बस ऐलान होना बाकी है। खबरों की माने तो हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को रोकने के लिए बीजेपी सक्रिय हो गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी दीपेंद्र के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को टिकट दे सकती है। खबर है कि सहवाग के नाम पर 27 फरवरी को हिसार में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग पर चर्चा हो सकती है। असल में वीरू झज्जर जिले के गांव छुड़ानी के रहने वाले हैं, ऐसे में उन पर बाहरी होने का आरोप भी नहीं लगेगा। रोहतक लोकसभा पर अब तक करीब 16 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार हुड्डा परिवार ने जीत हासिल की है। ऐसे में जीत की हैट्रिक जमा चुके दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए बीजेपी को दमदार चेहरे की दरकार है। इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर और पंजाब की गुरुदासपुर सीट से फिल्म स्टार अक्षय कुमार को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। हालांकि बीजेपी के ये तीनों संभावित ब्रह्मास्त्र 2019 में विरोधियों को चारों खाने चित कराने में कहां तक कामयाब होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।